अगर गुड्स या स्टॉक लिखा है तो रॉन्ग है, टू सेल्स आए. व्हाई नॉट गुड्स या स्टॉक? व्हाई सेल्स? व्हाई नॉट गुड्स या स्टॉक? यू कुड हैव रिटन गुड्स या स्टॉक. इन फैक्ट सम ऑफ यू माइट हैव रिटन दैट ओनली, बट दैट्स रॉन्ग. व्हाई आर यू सपोज टू राइट सेल्स? व्हाट इज द हिंट? इट्स इन द क्वेश्चन. List price. What is list price? Cross price. Market price. So that means you are going to sell it with profit. That means it's a sale only. You have sold the goods with profit. Kali, instead of cash, you are getting furniture against it. List price is the end. What is list price, guys? Market price. Selling price. Margin ke saath. Profit ke saath. The list price is ग्रॉस प्राइस, सेलिंग प्राइस. दैट्स द हिंट. समझा? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग विच अकाउंट? सेल्स. हाँ, लिस्ट प्राइस ना दिया होता तो यू हैव रिटन स्टॉक या गुड्स चलता. फर्नीचर टू गुड्स, फर्नीचर टू स्टॉक. अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचा होता तो वही कॉस्ट प्राइस मतलब स्टॉक. जितने में खरीदा तो मेंशन करते वो लोग, लिस्ट प्राइस मेंशन नहीं करते. ऐसा तो क्या होता? तो भी स्टॉक होता है, तो भी स्टॉक, तो भी स्टॉक. लिस्ट प्राइस मेंशन किया है ना तो सेल्स. लिस्ट प्राइस या ग्रॉस प्राइस, सेलिंग प्राइस मेंशन किया है, बिल्कुल जो भी भाव में बेचा, हाउ टू बाय या व्हाटएवर, बट लिस्ट प्राइस ग्रॉस प्राइस मेंशन किया है तो सेल्स, अदरवाइज इट विल बी कॉस्ट. इज इट क्लियर? ये वाला लास्ट वाला आया लिस्ट प्राइस की वजह से. ओके, बना लो लेजर. तीन अकाउंट है, एक ही साइड पे तीनों फिट हो जाएंगे. कर लो. कैश बड़ा रखना, ज्ञान दीप छोटा रखना. कैश बड़ा रखना, ज्ञान दीप स्मॉल स्मॉल. बताओ मुझे ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे? सीधा पोस्टिंग है, क्लोजिंग बैलेंस. करते जाओ. कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो पोस्ट करते जाओ. स्प्लिट करो देन पोस्ट. कैश बड़ा, कैश बड़ा बड़ा. सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, ये आया आपको. व्हेनेवर यू बाय एंड सेल द सेम लॉट योर जीपी इज. What will happen if you take 36,000 pe TD? Loss. Loss hi hote rahe. Aapko hi 36 pe padha hai, uspe aap aur discount hoge to loss hi hone wala. Samjha? So gross price same rakhna. आ जाओ यहां पर. आ गए यहां तक. सेटलमेंट एंट्री करते हैं. पर्टिकुलर पर्टिकुलर बाद में लिखो, पोस्ट करो फटाफट. बाय. पर्टिकुलर में पच्चीस लाख मैं पोस्ट कर फटाफट.
टैली में चले गए थे, टू बाय निकलेगा सीधा जीरो कर देगा। एक एंट्री छोड़ा है अपने 20वां, आप करो खुद से ट्राई करो। किसको सेटल किया है वहां पे देखो, दीप को सेटल किया है। व्हाट किसका बैंक टू कैश 13 चलो हो गया। वो दीप का सेटलमेंट ट्राई करो खुद से, कैसे करोगे? हु इज दीप? डेटर है, पैसा लेना है कि देना है? बोर्ड में देखो कितना पैसा लेना है बताओ, कैसे पता चलेगा कितना लेना? डेबिट माइनस क्रेडिट, गाइस लुक एट द बोर्ड, 9500 लेना है। मिला? आर वी गेटिंग फुल अमाउंट? चेक, देयर इज सीडी, हाउ मच? सो 190, नेट इज 9310, is that right? What will be the entry? Bank क्योंकि check है ना, bank discount allowed 21 deep 9310 190 and 9500, got it? Split and post, bank discount allowed to deep, bank में 2 deep नहीं लिख सकते, deep में by bank and discount allowed to deep, डिस्काउंट अलाउड में, डिस्काउंट अलाउड में टू दीप नहीं लिख सकते, दीप में बाय डिस्काउंट अलाउड। याद आपको? बस फिर और कुछ नहीं, बैलेंस करो कैश का कौन सा साइड पड़ा है, 50 18 400 आया, बाय बैलेंस सी will become 2 balance BD, is that right? What about Jan Bhaiya? Is Jan Bhaiya getting settled? No. No. So balance 18 18, what is the difference? 18. 2 balance CD will become 5 balance BD. कौन है Jan हमारे लिए? Creditor for 18, we have to still pay him 18. What about Deep? Why tally? Settled. Deep is settled. Deep is settled. Where started it? उसमें से ही होगा, और कुछ होगा? तू अकेला कम मार्क लाके 4 सम करता तो सबका थोड़ी होगा, वो भी तो नहीं कर रहा है। अरे पढ़ना है आगे, की क्या कुछ मतलब इरादा है आगे करियर बनाने का? लग नहीं रहा है तेरा लक्षण। खान सर चुन के आ रहे हैं, खान खान ही था ना लास्ट वाला, 23rd सम ले लो, कितना बड़ा सम है उसको ही छोड़ दिया, 35 ट्रांजैक्शन का सम। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो करियर नींद में करना है, स्टैंडर्ड बुक लाओ, सोना है, तो काम नहीं करना है आगे, है ना? सोने में करियर बनाओ, ऐसा मिलता है मालूम है, मैट्रेस टेस्टिंग, सोने का पैसा मिलता है, 10 घंटा सोने का है ऐसा लोग करते हैं। स्लीप एंड ट्राई मैट्रेस, गुड स्लीप, बैकबोन अच्छा है, बॉडी एक नहीं होता है, ट्रायल पीरियड से पास, चूज योर इंटरेस्ट। Now, sum number 4 and sum number 6.
पेज अभी पुराना टेबल नया आई डोंट नो, एक में 118 पे, एक में 119 पे, 4 and 6 पेज 118 119 फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, 4 and 6 118 119 जर्नल क्लास लेजर, एक में सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है, एक में 5 अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। एक और सा मैं रुको, वेरी स्मॉल सा, सब नंबर 19, 2 मिनट्स अभी, सब नंबर 19, एक मिनट ले लो, नहीं नहीं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का 118 और 119, 4 and 6 वो होमवर्क है, और अभी जो कर रहे हैं वो अपना नोट का सब नंबर 19 ले लो, पेज 40। अरे भाई इधर ही लिख रहा है, छोटा सा समय, सब नंबर 19 टेक्स्ट बुक में लिख रहा है। बात घूम रहा है आराम से कहो, सपोज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब नंबर 19 पेज 40, सपोज यू आर अ सीए, ओके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप किसी के बिजनेस में गए हो और आपको दिख रहा है राम अकाउंट, दिखा ओके, थिंक लाइक अ सीए, आप राम अकाउंट देख रहे हो, और वो जो अकाउंट है एक महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, पूरे साल भर का, साल भर का समरी दिया हुआ है, कैन यू सी दैट गाइस, पूरे साल का एंट्रीज दिया है आपको, ओके 11-12 इज द ईयर, 12 को बैलेंस करके दिखाया है, 11 इज द करंट ईयर, 12 को ओपनिंग करके दिखाया है, कैन यू सी दैट राम्स अकाउंट ऑल ऑफ यू। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर, ऑडिट में गए हो आप, पहला क्वेश्चन है whether Ram is a debtor or a creditor on 1st April 2012, debtor है 1st April 2012, नीचे वाला एक साल बाद, कितना सॉरी कितना अमाउंट का डेटर है 13,000, what if I ask you was a debtor or creditor on 1st April 2011, debtor of 7,000, second question लिख दो उधर, पहले वाले का आंसर उधर ही लिख दो, डेटर फॉर 13,000, डेटर फॉर 13,000, लिखा हाँ, वेदर ओके, गिवन एंट्री फॉर द पोस्टिंग डेटेड सितंबर 5 को क्या हुआ था, देखो बाय कैश और बाय डिस्काउंट दिख रहा है राम अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू राम एंड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू राम, लिख दो वहां पे कैश डिस्काउंट अलाउड टू राम, दैट इज द एंट्री, इसका मतलब क्या कैश डिस्काउंट अलाउड टू राम का मतलब, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, एक्सप्लेन द पोस्टिंग डेटेड अक्टूबर 25 में क्या हो रहा है, राम टू सेल्स मतलब क्या हो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, लिख दो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, द लास्ट क्वेश्चन वेदर राम इज अ डेटर और अ क्रेडिटर एज ऑन 30th September 2011, 30th September को वो कौन है, हाउ टू डिटरमाइन दैट वेदर इज योर डेटर और अ क्रेडिटर ऑन 30th September, इज नाइदर योर डेटर नॉर योर क्रेडिटर ऑन 30th September, हाउ सी योर अप्रोच इज वेरी सिंपल, यू लुक एट ट्रांजेक्शन ओनली टिल 30th September, सो डेबिट में ना आपका खाली एक पहला आएगा 7,000, 30th September तक का ही देखो, डेबिट में 7 आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा 300 आएगा, 6,500 आएगा, 200 आएगा, 7,000 इधर 7,000 इधर, तो बैलेंस रखता हूं, कैन यू सी दैट, व्हाट इज ही एज ऑन 30th September, नथिंग, नाइदर डेटर नॉर, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज ही ऑन 31st October, व्हाट इज ही ऑन 31st October, तो क्या होगा, डेबिट में क्या लोगे आप 7 लोगे और 13 लोगे अक्टूबर तक, मतलब 20 हुआ, और क्रेडिट में क्या लोगे आप
सेवन तो है ही और ऊपर दस और तो सत्रह इधर इधर बीस इधर सत्रह इज योर डेटर फॉर हाउ मच 3000 जैसे साल के बीच में भी कभी अकाउंट सेटलमेंट होते हैं तो पूछ सकते हैं आपको समझ में आया तो 31 अक्टूबर को इज योर डेटर और 30 सितंबर को इज योर नाइदर डेटर और सॉफ्टवेयर डिस्पॉइंट 2 7 4 8 6 इज्जत से करना कुछ डाउट है तो मैसेज करना डोंट कॉपी और जिसका एम्पोजिटर है ट्यूजडे है वो है ऑल द बुक्स कंप्लीट ओके तो नो एंट्री इन क्लास